दोस्तों क्या आप भी अपने GTA 5 में ऐसा प्रोटोकॉल मॉड इंस्टॉल करना चाहते हो जिसमें रिवो, फॉर्च्यूनर एंड लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां हो, हाई लेवल सिक्योरिटी गार्ड्स हो? अगर हाँ तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रोटोकॉल मॉड इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूँ जिसको आप अपने GTA 5 में इंस्टॉल करके एक ही क्लिक में एक ऐसा प्रोटोकॉल बना सकते हो जिसमें ये रिवो, फॉर्च्यूनर एंड लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां तो होगी लेकिन इसके अलावा आपको गार्ड्स जो कि रिवो के पीछे बैठे हुए भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप ये प्रोटोकॉल मॉड इंस्टॉल कर लेते हो तो आपकी GTA 5 भी ऐसे हो जाएगी। यकीन नहीं आता तो ये मोड इंस्टॉल करके देखना। बाकी हाँ, ये प्रोटोकॉल मोड हम अपने GTA 5 में बनाने नहीं वाले बल्कि ये प्रोटोकॉल मोड पहले से ही बना हुआ है जो कि हमने अपने बस इंस्टॉल करना है। और हो सकता है आपको यकीन ना आए लेकिन ट्रस्ट में ये प्रोटोकॉल मैंने खुद ही बनाया है। आपने अगर इंस्टॉल करना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से फर्स्ट लिंक को ओपन करना। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको तुम्हारे भाई यानी मेरा नेम एंड प्रोफाइल दिखेगा। यहाँ पर आप प्रोटोकॉल के स्क्रीनशॉट्स भी देख सकते हो। आए है क्या बताऊँ यार, सच में बहुत ही आसान है इस प्रोटोकॉल को इंस्टॉल करना। वेल तो अभी आपने ऐसा करना है कि यहाँ सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है, फिर से डाउनलोड पर क्लिक करना है तो ये मोड डाउनलोड हो जाएगा। अभी आपने ऐसा करना है कि मोड डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले अपनी GTA 5 की मेन डायरेक्टरी ओपन करनी है। मेन्यू स्टेप वाले फोल्डर में चले जाएंगे। अगर आपके पास ये मेन्यू स्टेप वाला फोल्डर नहीं है तो इस वीडियो को देखकर अपने GTA 5 में मेन्यू ट्रेनर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि अगर इस वीडियो को देखते हुए तो आपकी GTA 5 गेम ऐसे होने वाली है। यकीन नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो को चेक कर लेना। ओके तो अभी हम मेन्यू स्टेप में जाने के बाद ऑब्जेक्ट स्पूनर के फोल्डर में जाना है। इसके बाद अपना डाउनलोड किया हुआ प्रोटोकॉल मोड ओपन करना है एंड यहाँ से इस फाइल को अपने सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर लेना है। बस अपनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है तो जल्दी से GTA 5 ओपन कर लेते हैं। वेल तो दोस्तों गेम ओपन करने के बाद आपने कीबोर्ड में F8 बटन प्रेस करके अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन कर लेना है। मेन्यू ओपन करने के बाद ऑब्जेक्ट स्पूनर में चले जाएंगे, मैनेज सेव्ड फाइल्स में जाना है एंड लास्ट में आपको दिखेगा प्रोटोकॉल बाय JK जेमर, इस पर सिंपली हमें एक बार एंटर करना है। यहाँ पर आपने टेलीपोर्टो रेफरेंसेस पर इंटर करना है। जहाँ पर हम प्रोटोकॉल अपना लोड होने वाला है वहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ मेन्यू को हमने क्लोज कर दिया। अभी हम फिर से अपना मेन्यू ट्रेनर F8 बटन से ओपन कर लेंगे। अभी हमने सिंपली मिस्क ऑप्शंस में चले जाना है। यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, डिक्रीज्ड व्हीकल पॉपुलेशन होगा तो इस पर सिंपली इंटर करके इसको ग्रीन कर लेंगे। इसका मतलब ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ अपनी GTA 5 में वो अभी गायब हो चुकी हैं ताकि अपना प्रोटोकॉल आराम से लोड हो सके एंड आराम से हम उसमें घूम सके, इसलिए हमने इसको इनेबल किया है। वेल तो अभी हम बैक आकर सिंपली ऑब्जेक्ट स्पूनर में चले जाएंगे, मैनेज सेव्ड फाइल्स में जाएंगे, उसके बाद प्रोटोकॉल बाय JK जेमर में जाएंगे एंड यहाँ पर स्टार्ट टास्क सीक्वेंस इमीडिएटली को अनटिक कर देंगे। नाउ हमने सिंपली ऐसा करना है कि लोड प्लेसमेंट्स पर इंटर करना है। यहाँ पर थोड़ा वेट करोगे तो अपना प्रोटोकॉल स्पॉन हो जाएगा। तो फाइनली ये स्पॉन हो चुका है, आप देख ही सकते हो रिवो, लैंड क्रूजर्स, फॉर्च्यूनर्स। अभी हम ऐसा करेंगे कि मेन्यू ट्रेनर ओपन करेंगे एंड हाँ, मे बी तुम्हारे पास सिर्फ ये गार्ड्स स्पॉन हो, गाड़ियाँ स्पॉन ना हो तो आपने ना अपनी GTA 5 में ये लैंड क्रूजर, रिवो एंड फॉर्च्यूनर अपनी GTA 5 में इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आपने मेरा 21 एंड 28 नंबर ट्यूटोरियल देखा होगा तो अपनी GTA 5 में ये कार्स होंगी। वेल कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो इन दो वीडियोस को देखकर अपने GTA 5 में रिवो, लैंड क्रूजर एंड फॉर्च्यूनर इंस्टॉल करना। इन वीडियोस के लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे हमने इस प्रोटोकॉल को स्पॉन किया है वैसे स्पॉन कर लेना, आपके सामने ये मेरी तरह प्रोटोकॉल आ जाएगा। वेल तो अभी हम अपना मेन्यू ट्रेनर ओपन करेंगे, ऑब्जेक्ट स्पूनर में जाएंगे, एडिट मल्टीपल एंटिटी साइमल्टेनियस वाले फोल्डर में जाएंगे, सेलेक्ट एंटिटीज पर एंटर करना है एंड यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि सेलेक्ट ऑन पर एंटर कर लेना है। नाउ यहाँ पर आपने जितनी भी हमने गाड़ियाँ हैं उनको अनटिक कर लेना है। इसको मार्कर आप देख ही सकते हो, देखकर इसको अनटिक कर लेना। अभी हम ऐसा करेंगे कि बिल्कुल ऊपर जाएंगे, उसके बाद फुल नीचे बिल्कुल लास्ट में जो रिमोड मेल है इनको भी हमने अनटिक कर लेना है। यहाँ पर आपने पता है किस नंबर तक अनटिक करना है, यहाँ पर अनटिक करते जाना, अनटिक करते जाना। यहाँ पर आपको देखेगा चेयर, जहाँ तक चेयर है ना वहाँ तक प्रीमोड मेल्स को हमने अनटिक कर लेना है। तो अभी हम ऐसा करेंगे कि बेक आ जाएंगे, सॉरी इन चेयर्स को भी हमने अनटिक कर लेना है।
नाउ यहाँ पर चेस खत्म होती है, तो लास्ट वाली चेयर को अनपिक करके हम सिंपली बैक आ जाएंगे एंड फुल बैक आकर अपना मेन्यू क्लोज कर लेंगे। नाउ यहाँ पर हम चाहते हैं कि अपना प्रोटोकॉल जहाँ तक भी जाए वहाँ तक अपने वे पॉइंट एक सेट कर लेंगे। तो मैं मैप में आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं जाता हूँ कि अपना प्रोटोकॉल यहाँ ये जो होटल है ना वहाँ तक जाए, सॉरी ये जो राइट वाली है स्लाइड केबल कार है यहाँ तक जाए। तो मैंने यहाँ पर वे पॉइंट अपना सेट कर लिया है। अभी हम F9 बटन प्रेस करके अपना स्पूनर मोड ओपन करेंगे। नाउ हमने इस ये जो फर्स्ट वाला गार्ड है ना इस पर राइट क्लिक करना है, बिल्कुल लास्ट में हमें दिखेगा ट्रस्ट सिक्वेंस, इस पर एंटर करेंगे। उसके बाद राइट पोजीशन में जाएंगे एंड यहाँ पर हमने सेट टारगेट वे पॉइंट पर एंटर करना है। नाउ बैक आ जाएंगे, फिर से बैक आकर अपना मेन्यू क्लोज कर लेंगे एंड स्पूनर मोड को भी F9 बटन से क्लोज कर लेना है। वेल तो दोस्तों अभी अपने सिंपली अपना मेन्यू ट्रेलर ओपन करना है। ऑब्जेक्ट स्पूनर में चले जाएंगे, एडिट इन मल्टीपल एंटिटी साइमल्टेनियस में जाएंगे एंड यहाँ पर सिंपली हम स्टार्ट टास्क सीक्वेंस पर इंटर करेंगे तो अपने सारे गार्ड्स प्रोटोकॉल बनाकर गाड़ियों में बैठ जाएंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हो ये अभी देखना ये कैसे आराम आराम से जाते हैं एक दूसरे की गाड़ियों में पीछे। वो रिवो वाला चला गया, दूसरा भी चला गया, फॉर्चुनर वाला भी जा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ मैं भी जल्दी से अपने लिए गाड़ी स्पॉन करता हूँ एंड तुमको आराम से ये फुल प्रोटोकॉल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक रिवो सेव कर लिए तो इसको मैं जल्दी से स्पॉन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हो वो कैसे लैंड क्रूजर्स वाले जा रहे हैं, फिर से फॉर्चुनर वाला आया, रिवो वाला आया, दूसरी बार रिवो वाला आया, ये फुल प्रोटोकॉल बनाकर जा रहे हैं। तो ऐसे ही प्रोटोकॉल बनाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, बाकी हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना यार, चैनल अभी तक मोनिटाइज में नहीं है तो मोनिटाइज हो जाए। बाकी हाँ मैंने अपने GTA 5 में 50 पाकिस्तानी मोड्स इंस्टॉल करे हैं पाकिस्तानी लुक देने के लिए। अगर वीडियो देखनी है तो लेफ्ट वाली वीडियो में आ जाओ। बाकी मैंने ना अपने GTA 5 में GTA 6 के भी 50 मोड्स इंस्टॉल करने हैं, वो वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो में आ जाओ, हम वहीं मिलेंगे।